दक्ष के शीश को भस्म करने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी चित्कार सुनके ही भद्रकाली समझ गई, यदि शीघ्र उन्हें वहां से नहीं ले जाया गया तो उनका रौद्र रूप और भी भयंकर हो जाएगा। तब वो उन्हें लेकर गोदावरी नदी के किनारे आ गई और उस बहते हुए जल में उन दोनों ने अपने रक्त रंजित अस्त्रों को धोए। उन अस्त्रों ने इतना रक्त पिया था कि उनके स्वच्छ होते होते ऐसा लगने लगा जैसे जैसे वह जल की नदी नहीं रक्त की नदी बह रही है। ये देखकर भद्रकाली तो शांत हो गई, पर वीरभद्र नदी के उस लाल रंग को देखकर और भी उग्र होने लगे। यदि वीरभद्र जी को शीघ्र ही शांत नहीं कराया गया तो उनके प्रकोप से सृष्टि का विनाश निश्चित है। वीरभद्र, देवी भद्रकाली इतनी शीघ्र इतनी शांत कैसे हो गई? उन्हें शांत देखकर मुझे भी विचित्र शांति का आभास हो रहा है। संसार का सत्य यही है, स्त्री की शक्ति से ही संभव कि जब पुरुष उसका शांत रूप देखता तो वह अपना सारा क्रोध अपना सारा मानसिक संताप भूल जाता है। जब पुरुष कार्य समाप्त करके घर लौटता और स्त्री उसका मुस्कुराकर स्वागत करती तो उसका चित्त शांत हो जाता है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो जीवन की फुलवारी सुख की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। वीरभद्र और भद्रकाली की इच्छा का मान रखते हुए स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों का विवाह संपन्न किया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी देवी? गोदावरी के इस मनोरम तट पर इस त्राशरामम नामक स्थान पर जहां मेरे और भद्रकाली के प्रेम ने जन्म लिया है वहां मेरे मंदिर का निर्माण होगा, जहां कोई भी अविवाहित व्यक्ति आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी और उसका विवाह भी शीघ्र ही होगा। शिव का आंशिक रूप तो शांत हो गया, पर शिव देवी सती के बिना अभी भी अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। वो अपनी मन की व्यथा से ना तो उभर पा रहे थे और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहे थे। कैलाश में व्याप्त उस शांत सन्नाटे में भी इतना कोलाहल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं महादेव, अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती।
मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सखा, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाए। आपको सदैव सच्चे और योग्य प्राणियों का साथ देना चाहिए। जब स्वयं सरस्वती अयोग्य व्यक्तियों का साथ देने लगे, उन पर कृपा करने लगे, तो इस संसार का हित नहीं हो सकता। ऐसे में नाक कटना अनिवार्य ही है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और मैंने माता सती का अपमान होते देखकर भी कुछ नहीं किया। मेरा मौन ही मेरा अपराध है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। जब भगवान स्वयं किसी को उच्च स्थान दे, तो उसे उस स्थान की, उस भगवान की और उस उपलब्धि की मर्यादा रखनी चाहिए। जो ऐसे अभूतपूर्व सम्मान के बाद भी मर्यादाहीन आचरण का साथ दे, उसका पतन तो निश्चित है चंद्रदेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, अब बस एक ही विनती है, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका है, ये लज्जित है, क्षमा प्रार्थी है और आपकी कृपा के आकांक्षी है। हमें क्षमा कर दे सकते, हमें क्षमा कर दीजिए कृपा निधान है महादेव, करुणा के सागर हैं आप, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। एक विनती और है सखा, दक्ष की मृत्यु के कारण महायज्ञ बीच में ही रुक गया था। संसार पर एक और दया कर और दक्ष को एक बार फिर से जीवित कर दो, ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब मैंने माता के शव को देखा था, मेरी दशा इतनी बिगड़ गई थी, तो न जाने प्रभु के हृदय में क्या बीतेगी। परंतु प्रभु आप, आप ही बताइए प्रभु,
इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री नारायण महादेव से ऐसी मांग कैसे कर पाए? ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे कोई किसी के हृदय में खंजर खोप दे और फिर उसे अंदर तक और अधिक मरोड़ दे। हमारे भोले बाबा भोले करुणामयी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उनमें कोई भावना नहीं है। अभी तो महादेव ने देवी सती के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे, उन्हें पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि जिन देवी को वो इतना अधिक प्रेम करते हैं, जो उनके अस्तित्व का केंद्र है, वो सदा सदा के लिए उनके जीवन से जा चुकी है। और ऐसे में उनके हत्यारों को फिर से जीवित करने की मांग रखना, ये कहां का न्याय है प्रभु? हम मानवों और महादेव के बीच यही अंतर, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते, पर महादेव वो तो परम पिता है, और पिता चाहे कितने भी दुख में क्यों न जूझ रहे, पर सबसे पहले वो अपने संतानों के हित के बारे में विचार करते। महादेव ने भी ऐसा ही किया। का धर्म होता है अपने मित्रों को सही दिशा की ओर अग्रसर करना, उन्हें सदैव उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप मित्र भी थे और साथ साथ पुरोहित भी, पर आप ना केवल अपने यजमान मित्र को सही सुझाव देने में असफल रहे, बल्कि आपने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसी का दंड मिला है आपको महर्षि। ऋषियों की दाढ़ी ज्ञान का प्रतीक होती है,
आपके अपराध के कारण आप वो भी गवा बैठे। महादेव की जय हो। आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। महादेव, सती सदैव कहती थी आपका हृदय बहुत विशाल है, साधारण व्यक्तियों से भिन्न है, आप करुणा का सागर है। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो हुआ उसे भूल कर इन्हें प्राण दान दे, इन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए महादेव, पुनर्जीवित कर दीजिए। आपके पति का शीश भस्म हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं उस शीश को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके कारण ही सती को सबसे पहले मेरा ज्ञान हुआ। अनजाने में ही सही, मुझे खोजने में, मुझे जानने में आपने उनकी सहायता भी की थी, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं देवी। और ये ऋण मैं आपके पति के प्राण लौटाकर चुकाऊंगा। महादेव प्रणाम स्वीकार करें। मुझ मूर्ख को, मुझ नराधम को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रजापति दक्ष हैं, इस संसार के प्रति आपका योगदान अकल्पनीय है, क्योंकि आपने ही जीवन का आचार संहिता का निर्माण किया है। ध्यान, पूजा, जप, व्रत, इन सभी नियमों का निर्माण करके आपने समाज को नियम और अनुशासन भी सिखाया है। सदैव स्मरण रहे प्रजापति, जब अधिक शक्ति होती है तो दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपने सदैव पशु जाति को तुच्छ दृष्टि से देखा, आज उन्हीं में से एक ने आपको नव जीवन का दान दिया है। इसी कारण आपको क्षमा उसी से मांगनी चाहिए जिसका आपने सदैव अपमान किया है। नंदी, शंगी, आप सभी का दोषी हूं मैं, पर अब सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महादेव अभी शांत अवश्य हुए, किंतु जब वह देवी सती का शव देखेंगे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये कोई नहीं बता सकता। यदि देवी सती के शव को देखकर पुनः महादेव का क्रोध जागृत हुआ तो इस सृष्टि के महाविनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। साथी,